जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। ओके, सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी आज चेक करते हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, क्या रहने वाली है इस हफ्ते। ओके स्कॉर्पियो, आई थिंक इट्स अबाउट अवेकनिंग, यू नो, एक अंदर आपके अंदर वो जो मैस्कुलिन एनर्जी है, आई थिंक वो जाग रही है। वी हैव थर्ड चक्रा, तो येस, डेफिनेटली यू आर कनेक्टिंग। अच्छा, कुछ लोगों को हो सकता है आपको अपने पेट का ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मे बी यू नो हार्ट बर्न एंड समथिंग लाइक दैट, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए क्योंकि वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके येस, बट इट्स अबाउट मे बी दैट फायर एनर्जी, यू नो, आपके अंदर वो लाइक हो रही है। आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऑब्वियसली आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके अंदर वो एक वो आ चुकी है फीलिंग कि येस, यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन लाइफ। अच्छा, चाहे लव मैटर है चाहे करियर है, इट्स अबाउट टेकिंग एक्शन, यू नो, इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट। मैस्कुलिन शिव, यू नो, शिव शक्ति, तो वो जो मैस्कुलिन साइड है आपकी, यू नो, इट्स काइंड ऑफ राइजिंग अप। सो दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, लाइक एक्शन टेकर, यू नो, मे बी इन द मैटर ऑफ हार्ट्स। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। किसको मिस कर रहे हैं आप? आई थिंक स्कॉर्पियो, इट्स अबाउट देखिए, आई थिंक आप या तो सेपरेशन के थ्रू निकल रहे हैं, और मे बी यू वॉन्ट टू गेट सेपरेटेड। आप किसी चीज़ में से निकलना चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट में से निकलना चाहते हैं, और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, यू नो, कि बिकॉज यू हैव मन में किसी के लिए कुछ है, स्टार्ट करना चाहते हैं, और ओवरऑल भी मुझे ऐसा लगता है आप थक चुके हैं इस सिचुएशन में से, एंड नाउ आप लाइक यू आर रेडी टू फाइट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, दिस इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन मोस्ट ऑन योर माइंड, जिसके बारे में भी आप सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं। आई थिंक येस, मे बी दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ, यू नो, लाइक ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे टू गेट मैरिड, यू नो, कोई यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है टू गेट मैरिड, या ये आपकी एनर्जीज चेंज हो सकती हैं वाइस वर्सा। बट येस, सिंगल है, सेल्फ डिपेंडेंट है, मे बी अर्निंग, यू नो, बट वेटिंग 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 जोन इज शोइंग ऑन, और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे यही चाह रहे थे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज मैरिड नाउ, या ऑलरेडी मैरिड, यू नो, स्टिल एक्सपेक्टिंग, और मे बी ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? आई थिंक स्टिल वेटिंग, स्टिल, यू नो, बिकॉज सम थिंग्स नीड टू बी सॉल्व। यहाँ पे पैसों का मामला हो सकता है, यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे यू नो लाइक इन एंड आउट वाली सिचुएशन है। स्टिल मुझे वेटिंग जोन दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। देखिए, अगर बात करें कि नेक्स्ट मूव, आई थिंक फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशंस बहुत हैं, बट समबडी इज़ वॉकिंग अवे। मुझे लगता है ये पर्सन, दे आर लाइक मूविंग अवे फ्रॉम यू। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप गोइंग। सो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और शायद निराश है, तो इस वजह से शायद यू नो डिसीजन नहीं ले पा रहे। येस, समबडी इज़ मूविंग अवे। हो सकता है आपकी इस बारे में बात हुई हो, नहीं हूँ, बट येस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए अब बात करते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कैजुअली कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। अब बात करते हैं आपके करियर की फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। आई थिंक ओके, करियर वाइज इट्स अ गुड शिफ्ट। मुझे लगता है कुछ अच्छा आने वाला है आपकी तरफ दिस वीक। बी प्रिपेयर्ड, कुछ अच्छा आ सकता है स्कॉर्पियो। येस,
थिंग्स आर गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली, हो सकता है कुछ एकदम से, कुछ सडन शिफ्ट, कुछ आपको कुछ हेल्प मुझे या कुछ हो, लाइक यू विल बी फीलिंग क्वाइट कंटेंट, हैप्पी विद योर करियर, यू नो. तो येस, कुछ एंड हो रहा है, कुछ बिगिन हो रहा है, येस, ये चीज़ें हैं लाइक एकदम से सडन, यू नो. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट आप बहुत टाइम से स्टक थे, ठीक है, एंड नाउ इट्स गेटिंग ओवर, आप उस चीज़ में से बाहर निकल रहे हैं, चाहे बिजनेस है, चाहे कुछ भी है, लाइक ओवरऑल आई थिंक इट विल बी येस गुड फॉर यू. मनी रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, गेटिंग मनी फ्रॉम समवेयर. सो क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए? बैलेंस योर सेल्फ. देखिए, आप दो रास्ते नहीं चूज करते कर सकते, यू नो. आपको एक, अगर आपको कहीं जाना है, आप दो, लाइक एक ही टाइम पे दो पाथ नहीं चूज कर सकते, इधर दिस वे और दैट वे, यू हैव टू डिसाइड. तो अब आपको डिसाइड करना है इधर की उधर, यू नो. मतलब इतनी देर तक आप जगल नहीं कर सकते कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है. ओनली यू हैव टू डिसाइड कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, एंड स्टॉप वरिंग, स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस, एंड अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखिए. और येस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.